हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तो अभी जो मैंने गाइस आपको अकाउंटेंसी की जो क्विक रिवीजन करवाई है पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इंट्रोडक्शन के बाद अब जो है उसके ऊपर हम एमसीक्यू भी लगाएंगे तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर आज हम पंद्रह से सोलह जो है एम इस वीडियो में लगाएंगे तो गाइज़ अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं एम तो गाइज़ पहला एम सी क्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज तो गाइज मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था कि पहला स्टेप उसका जो है वो होता है आइडेंटिफिकेशन तो फर्स्ट स्टेप उसका रहेगा आइडेंटिफिकेशन तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आंसर आएगा आइडेंटिफिकेशन ए ट्रांजेक्शन गाइज नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एम सी क्यू तरफ है नेक्स्ट एम सी क्यू आपकी स्क्रीन पर आ चुका है द पर्पज़ ऑफ कास्ट अकाउंटिंग आर टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर टू ascertain द cost ऑफ various product, प्रोडक्ट टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या ऑल ऑफ़ द वोव तो guys ये सभी उसके जो हैं ये purpose हैं cost अकाउंटिंग के एक्सपेंडिचर को भी एनालाइज करना है कॉस्ट जो है वेर प्रोडक्ट की उनको भी पता करना है और फिक्स करनी है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये तीनों ही जो हैं फंक्शन हैं या पर्पस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द वोव आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले यूज एन डिटरमाइन वेदर आर नॉट द बिजनेस एन इज एलिजिबल फॉर ए लोन तो गाइज कौन है जो जो कि संभव है कि वो जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये बिजनेस एन जो है एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं है गाइज इसका आंसर आप मुझे बताएं कि क्या वो लैंडर होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या वो डेटर होते हैं क्या गवर्नमेंट होते हैं क्या वो कस्टमर होते हैं गाइज़ तो ये क्वेश्चन गाइज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन के लिए कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग सर्विस एज ए तो गाइज अकाउंटिंग सर्विस एज ए तो आपके ऑप्शन हैं हिस्टोरिकल डाटा कमोडिटी लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज तो गाइज आई होप आपने जो है इसका आंसर जो है दे दिया होगा गाइज तो अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ गाइज़ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द दीस गाइज तो ये अकाउंटिंग जो है एज ए हिस्टोरिकल डाटा की तरह भी कमोडिटी की तरह भी और लैंग्वेज की तरह भी सर्व करती है तो इसका जो सही आंसर होने वाला है गाइज़ वो आप याद रखें इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीस आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो चलिए गाइज मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ इसके आंसर की तरफ अगर हम जाएँ तो इसका आंसर आएगा लैंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स तो ये जो हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं तो नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट एम सी क्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ए पार्ट है फोकस ऑन एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यूज कास्ट्स एंड अदर मेजर्स टू फोर कास्ट एक्टिविटीज एंड दियर रिजल्ट सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एज ए होल तो बाकी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ेंगे रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ऑकर्ड wait guys in the past that is very fiable and reliable provides information that is generally available only on a quarterly or annual बेसिस तो गाइस सी और डी ऑप्शन देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो इसका सही आंसर है गाइस तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट गाइस ये बात आप याद रखेंगे तो इसका सही पार्ट है फोकस ऑन द एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यूज़ कास्ट एंड अदर मेजर्स टू फोरकास्ट एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट तो ए पार्ट इसका जो है वो सही आंसर होगा गाइज तो इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सही मीनिंग है वो है ए पार्ट फोकस ऑन एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवन्यूज कास्ट एंड अदर मेजर्स टू फोरकास्ट एक्टिविटीज एंड अदर एंड देयर रिजल्ट तो आई होप आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी गाइज तो आगे चलेंगे गाइज नेक्स्ट एम सी क्यू आपकी स्क्रीन पे जो है वो है एम सी क्यू नंबर सिक्स कास्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट तो कास्ट अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करती है हमें हर एक चीज़ लेकिन इन चार में से किसको छोड़ के इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग स्टडीज़ फाइनेंशियल इंफॉमेशन रिगार्डिंग द कास्ट ऑफ एक्वायरिंग कास्ट ऑफ एक्वायरिंग रिसोर्स नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कास्ट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ तो गाइस जो इसका डी पार्ट है वो नहीं वो इसका सही आंसर जो है वो है डी पार्ट तो डी पार्ट जो है कास्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती है एम सी क्यू नंबर सेवन की अगर बात करें गाइज विच क्वालिटेटिव कैरेटरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड वैन यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फार्मेशन तो गाइज इसका जो आंसर है वो है रैलीबिलिटी तो मैंने आपको बोला था कि अच्छे तरीके से आप क्वालिटेटिव करैक्ट्रिस्टिक्स को पढ़ लें तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रैलीबिलिटी एर्ट्थ की बात करें गाइज तो एर्ट्थ की अगर बात करें हम तो एर्थ एम सी क्यू की अगर बात करें द अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाई सेलिंग एसेट गुड्स आर सर्विसिज इज़ नोन एज तो जो अमाउंट जो है रिसीव किया जाता है एसेट को बेच के गुड्स और सर्विसज को बेच के उसको क्या कहा जाता है गाइज तो उसका सही आंसर है गाइज रिसिप्ट तो इसको कहा जाता है रिसिप्ट यह बात आप याद रखेंगे तो बाकी इसके ऑप्शन नहीं है प्रॉफिट इनकम गेन जो है बाकी इसके ऑप्शन नहीं है तो नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ अगर चलें गाइज तो मिस्टर इक्रम तो मिस्टर इक्रम जो है स्टार्ट्स बिजनेस विद फाइव लैख द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाई हिम इस टर्म डैस तो जो अमाउंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसको क्या कहेंगे गाइज तो उसको कहेंगे कैपिटल ये बात आप याद रखें उसको कहेंगे हम कैपिटल तो नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ अगर हम चलें गाइज तो नेक्स्ट एम सी क्यू है कि इसको छोड़ेंग टेंथ एम सी क्यू को छोड़ें नेक्स्ट हम अलेवंथ एम सी क्यू की तरफ चलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अलेवेंथ एम सी क्यू बोल रहा है कि यूनिट यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन एंड कॉमन फार्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स कम्पेरेबिलिटी अंडरस्टैंडबिलिटी रेलिवेंस या रेलिबिलिटी गाइज इन चार में से क्या ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि जो जब हम कॉमन मेजरमेंट यूज करते हैं और कॉमन फार्मेट यूज करते हैं तो इससे कम्पेरेबिलिटी दिखती है हमें तो कंपेरेबिलिटी जो है ये क्वालिटेटिव करैक्टरस्टिक्स यहाँ पे शो हो रही है तो गाइज़ क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स करैक्ट्रिस्टिक्स को आप ध्यान से पढ़ लें क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं अब ट्वेल्थ एम सी क्यू की तरफ अगर चलें तो ट्वेल्थ एम आपके सामने आ चुका है कि सॉरी गाइस एबीसी लिमिटेड डील्स इन सेलिंग एंड पुर्चेजिंग ऑफ फर्नीचर तो फर्नीचर इज तो गाइस एक limit, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड तो वो जो है उसका जो काम है वो सेलिंग और प्रचेज करती है फर्नीचर की तो फर्नीचर क्या होगा गाइस उस कंपनी के लिए तो फर्नीचर गाइस उसके लिए एसेट नहीं होगा बल्कि उसके लिए गुड्स होगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए पार्ट होगा गुड्स फॉर ए लिमिटेड तो आप गलती ना करें यहाँ पर एसेट लगाने की इसका सही आंसर जो है वो गुड्स रहने वाला है तो गाइज नीचे एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी हुई है तो ये पी जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर लूँगा तो टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा गाइज जेके SSB स्पेशल के नाम पर है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके सर्च मारें जे के स्पेशल तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें वहाँ पे मैं हर टेलीग्राम हर पीडीएफ जो है शेयर करता हूँ और वहाँ उसी के साथ साथ आपके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट पे पूरी जो है ई बुक भी लाई है तो वो ई e बुक भी वहाँ पे आपको मिल रही है तो उस ई e बुक को आप डाउनलोड करें प्रिंट निकालें और उसको आराम से पढ़ें और साथ में हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्चर्स को भी देखें उससे आपको जो है ई बुक को पढ़ने में आसानी होगी तो आई होप गाइज़ आपको जो है ये एम सी क्यू सीरीज़ जो है हेल्पफुल लग रही है लग रही होगी तो अगर आपको लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आने वाले टाइम पे आपको अकाउंटेंसी पे और एम सी क्यू चाहिए या नहीं चाहिए तो नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ अगर हम चलें गाइज तो नेक्स्ट एम सी क्यू के ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है गाइज तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं उसमें आते हैं कि जो भी बिजनेस को रिसीव करना होता है तो रिसीव उसको डेटर के थ्रू पैसा आता है और दूसरा बिल रिसीवेबल इसमें आएगा तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल जो है ये आएगा ट्रेड रिसीवेबल का आंसर तो इसका सही आंसर जो है वो है ए पार्ट गाइस आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी तो इसका जो सही आंसर आएगा गाइस वो आएगा ए पार्ट नेक्स्ट फोर्टीन थमसी क्यू की अगर बात करें विच ऑफ़ दिस इज़ नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आपको बताना है कि इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या नहीं है गाइज़ तो पहली है कि बॉट फर्नीचर ऑफ टेन थाउजेंड फॉर बिजनेस तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पर दस हज़ार का फर्नीचर ख़रीदा है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है पेड फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज तो ये भी ट्रांजेक्शन है पेड सन्स फीस फ्राम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड गाइज तो ये ये वाली जो है ये आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी डी पार्ट को अगर हम देखें तो पेड सन्स फीस फ्रॉम बिजनेस तो बिजनेस से जब आप बेटे की फीस दोगे तो वो एक ड्राइंग्स कहलाएगी लेकिन अगर सी पार्ट की बात करें तो जब आप अपने बैंक अकाउंट से अपने सन की फ़ीस को पे कर रहे हैं तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी तो उसका सी पार्ट जो है वो सही आंसर रहने वाला है नेक्स्ट एम की तरफ चले अगर गाइस तो नेक्स्ट एम है एम नंबर फिफ्टीन मिस्टर ए जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गुड डीलर है उसने गिफ़्ट किया एक टी वी ऑफ़ वैल्यू ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जिसकी वैल्यू है पच्चीस हज़ार टू हिज़ फ्रेंड मिस्टर बी मिस्टर बी को एक टी वी गिफ्ट किया पच्चीस हज़ार का जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड डीलर है इट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एज तो बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है गाइज तो उसको एज ए ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया जाएगा एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि इसको एज ए ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया जाएगा जब वो जो है जो मिस्टर ए था वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डीलर था तो जब वही चीज़ वो गिफ्ट करेगा तो उसको ड्राइंग्स कहलाया जाएगा बिजनेस में से तो ये बात आपको समझ आई होगी आई होप नेक्स्ट अगर बात करें तो एक फर्म है वो अर्न करती है रेवेन्यू बीस हज़ार का और एक्सपेंस है उसके बारह हज़ार तो उसकी इनकम को कैलकुलेट करना है इस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप फार्मूला लगा सकते हैं कि इनकम जो होती है वो होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो रेवेन्यू यहाँ पर बीस है और एक्सपेंस यहाँ पर बारह है तो बीस में से बारह निकाले तो आपकी इनकम निकल जाएगी आठ तो आई होप आपको ये एम समझ आया होगा एम सी क्यू नंबर सेवनटीन की अगर बात करें तो सेवनटीन एम सी क्यू आपकी स्क्रीन पे है कि लास्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन होता है और लास्ट स्टेप की अगर बात करें गाइज़ तो लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो सी पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है तो गाइज़ ये पूरी की पूरी पी डी एफ जो है अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये पी डी एफ़ मिल जाएगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़